सुभाष बेस्ट क्लासेस में मैं आज आपको सफेद मटर की चाट बनाना बता रही हूँ। ये चाट बनने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आते रहें। तो देखिए, इस चाट को बनाने के लिए मैं एक बड़ी प्याज ले रही हूँ जिसे मैंने काट कर रखा है, बिल्कुल बारीक कट करके रखी है इस तरह से। और ये देखिए, मैंने आधा टीस्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया। अब ये देखिए, हमने 1 टीस्पून जीरा लिया है और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट लिया और नमक आप टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। एक बड़ा टमाटर कट किया हुआ है और कोथमी कट की हुई रखी है मैंने। और देखिए, धनिया पाउडर लिया 1 टीस्पून, 2 हरी मिर्च को काट कर रखा है मैंने और आधा टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया, 1 टीस्पून छोले मसाला या चना मसाला ले लीजिए। देखिए, ये सफेद मटर है, 1 बड़ा कप सफेद मटर को मैंने रात भर भिगो कर रखा था और ये छोटे छोटे आलू को मैंने उबाल कर रखा है। अब हम सबसे पहले कुकर में ये मटर डाल देते हैं और फिर उसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे क्योंकि हमें इसे गलाना है। अब मैंने कुकर का ढक्कन लगाया और ढक्कन लगाकर हम गैस ऑन करेंगे और फिर हम इस पर कुकर रखकर सिर्फ 1 सीटी होने तक ही इसे गलाएंगे, हमें इसे ज्यादा नहीं गलाना है। अब देखिए, ये समोसा पट्टी है, समोसा पट्टी को आप इस तरह से बारीक कट कर लीजिए। रमजान में तो हर एक के पास ये समोसा पट्टी होती ही है। तो देखिए, हमने इसे इस तरह से बारीक कट कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। इसे कुरकुरी होने तक आप डीप फ्राई कर लीजिए। अच्छी तरह से आप फ्राई कीजिए इसे। ये जब ये कुरकुरी हो जाएगी तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसका तेल अच्छी तरह से निकाल लीजिए। अब ये देखिए, चने हैं, ये जो ये मटर है गले हुए, हम इसे निकाल लेंगे। हमने इस मटर को निकाल लिया। अब एक कढ़ाई को गर्म कीजिए और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डालिए और उसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद मैंने 2 इंच की हल्दी का टुकड़ा और 3 लौंग डाल दिए और फिर देखिए, मैंने इसमें प्याज डाल दी जो मैंने काट कर रखी थी। इसे आप मीडियम आंच पर थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अब देखिए, मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया जो 1 टीस्पून मैंने बताया था, वो अदरक लहसुन पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया और फिर हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया और लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे मीडियम आंच पर थोड़ा सा फ्राई कीजिए, आंच तेज रहेगी तो हल्दी और लाल मिर्च जल जाएंगे। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए जो मैंने बारीक कट करके रखे थे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल दीजिए। धनिया पाउडर, ये सिंपल धनिया पाउडर है, प्लेन। अब देखिए, मैंने छोले मसाला डाल दिया और चाट मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया। इन सभी चीजों को आप मीडियम आंच पर फ्राई कर लीजिए, यानी थोड़ा सा भून लीजिए। टमाटर गलने तक हमें इसे भूनना है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला, करीब आधा कप, और फिर हम इसे पका रहे हैं। अब देखिए, ये उबले हुए मटर हमने इसमें ऐड कर दिए। अब टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। और फिर इसे पकाइए। देखिए, पकते वक्त हम इसमें ये उबले हुए आलू डाल देंगे। जो छोटे छोटे आलू मैंने उबाल कर रखे थे वो आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब कोथमीर यानी हरा धनिया डाल दीजिए कट किया हुआ और उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और ये हमारे मटर तैयार हो चुके हैं। इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसे प्लेट में निकालिए और प्लेट में निकाल कर ऊपर से इमली की चटनी डालिए। ये इमली की चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, मैं लिंक इसके नीचे दे दूंगी, आप उसमें से देख लीजिए। अब देखिए, मैं साइड से ये तली हुई समोसा पट्टी रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्रंच भी आए इस चाट के साथ, तो हमने इसके साइड में ये रख देना है।
ये कुरकुरी सी समोसा पट्टी हमने रख दी, ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए और फिर उसके बाद प्याज और कुछ कटे हुए टमाटर, पुदीना जो भी आपको डालना है, प्याज डाल दीजिए कटी हुई। और इस तरह से ये हमारी चाट तैयार हो चुकी है। तो कहिए कैसी लगी आपको, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।